अभिनव विद्यालय मीरगंज विकास खंड मछली शहर जिला जौनपुर में ग्राम प्रधान रीना सोनी द्वारा कार्यों को लेकर हुआ भारी घोटाला। प्रधानाचार्य द्वारा जो सहयोग से पहले कराया गया था उन सभी कार्यों का ग्राम प्रधान रीना सोनी द्वारा पैसा निकाल लिया गया सेक्रेटरी के माध्यम से दर्श, जिससे क्षेत्रवासियों में भारी रोष व्याप्त है और विद्यालय के प्रधानाचार्य सहित स्टाफ में भारी रोष व्याप्त है। विद्यालय अपने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए और सुविधाओं के लिए जौनपुर में सबसे उत्तम माना जाता है। नवजात शिशु के साथ हो रहा धोखा, पहला घोटाला रंग रोगन विद्यालय के प्रधानाचार्य ने जन सहयोग के माध्यम से कराया था, लेकिन प्रधान ने 90,000 दो किस्तों में रंग रोगन का निकाल लिया है। डेस्क बेंच ग्रीन बोर्ड पंखा वायरिंग का 85,000 प्रधान ने निकाला, जबकि विद्यालय के प्रधानाचार्य व स्टाफ ने जन सहयोग के माध्यम से इसे पहले ही कराया था। तीसरा इन्वर्टर का 55,000 रुपए निकाला गया, जबकि प्रधानाचार्य ने इन्वर्टर जन सहयोग के माध्यम से विद्यालय की तरफ से खरीद रखा था। चौथा मॉडल शौचालय निर्माण के लिए 1,70,000 निकाला गया। शौचालय निर्माण बहुत ही घटिया किस्म का टूटा फूटा और किसी भी तरह से चलने वाला नहीं है, इसमें भारी घोटाला हुआ है। शौचालय मरम्मत के लिए 56,000 प्रधान ने निकाला, जबकि कोई मरम्मत कार्य नहीं हुआ। श्रीमान उत्तर प्रदेश सरकार, श्रीमान जिलाधिकारी जौनपुर, खंड विकास अधिकारी मछली शहर, श्रीमान CDO जौनपुर, श्रीमान SIO LIU, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इन घोटालों की मीरगंज प्रधान रीना सोनी, रविशंकर सोनी के खिलाफ इन घोटालों की जांच करवाई जाए। घोटाले की कॉपियां अभिनव विद्यालय मीरगंज के प्रधानाचार्य जी के पास उपलब्ध है। आपसे जांच की आशा की जा रही है और दोषियों को दंड देने की मांग की जा रही है। GGS News 24 जौनपुर से नवीन पांडे, मीरगंज ब्यूरो की रिपोर्ट। खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.ggsnews24.com पर लॉग इन करें। कमरे में ग्रीन बोर्ड जिसे निकाला है, जिसे उसका भी जिसे न ग्रीन बोर्ड लगवाया, एक डेस्क बेंच का लगवाया था, हमको अभी भी जिसे 50 डेस्क बेंच की आवश्यकता है। मेरे यहाँ 300 बच्चे हैं। सर आपका शुभ नाम? संजय कुमार सिंह, प्रधानाध्यापक अभिनव प्राथमिक विद्यालय में। सर आप सब अभिनव प्राथमिक विद्यालय मीरगंज के प्रधान अध्यापक हैं, क्या इसमें घोटाला हुआ, यह सच है? सर बिल्कुल सच है। ऐसा है कि ये जन सहयोग के माध्यम से प्रधानाध्यापक ने पहले से ही यहाँ पे बहुत सारे काम करा दिए थे। ये मॉडल विद्यालय के तौर पर जिला में पहचाना जाता था, लेकिन उस नाम से जो है पैसा निकाला गया और उसमें विद्यालय में काम नहीं कराया, विद्यालय में काम नहीं हुआ। शौचालय जो बनवाया गया है 1,25,000 का, वो भी जो है एकदम 1,25,000 का जो शौचालय बनाया गया है गुणवत्ता विहीन है। आप जाके देख सकते हैं, जो है उसमें ठीक से काम नहीं हुआ। इस तरह से अभिनव विद्यालय मीरगंज में भारी घोटाला ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी द्वारा किया गया है। माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इसकी जांच करवाई जाए।